हेलो गाइड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल घर का जायका विद खुशबू। मैं खुशबू आज आपको कैबेज का रायता बनाना सिखाने जा रही हूँ, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसका नाम आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, जिसे आप बिरयानी के साथ खा सकते हैं। ज़्यादा बातें ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। एक कुकर लेंगे फ्रेंड्स, उसमें एक गिलास पानी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, जब पानी गर्म हो जाए तो उसमें नमक, कटी हुई कैबेज, ऐड कर कर एक सीटी लगने तक पकाएंगे। एक सीटी हो गया फ्रेंड्स, अब इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। फ्रेंड्स, जब ये ठंडा हो जाएगा तो आपका कैबेज कुछ इस तरह का दिखेगा। एक पैन लेंगे, उसमें ठंडा किया हुआ कैबेज यानी बंधा गोभी ऐड करेंगे। अब एक कप फेटा हुआ दही थोड़ा थोड़ा कर कर मिक्स करेंगे, उसे अच्छी तरह से मिलाइएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको लगी गए दही थोड़ा कम है तो उसमें दही थोड़ा और ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, अब उसमें कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, कसा हुआ अदरक, कलौंजी और एक भुना हुआ रेड चिल्ली। ये आपके रायते को एक नया टेस्ट देगा। सारी सामग्री को मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपका बंदा गोभी का रायता तैयार है। इसे आप बिरयानी पुलाव के साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। Thanks for watching. Bye-bye.